रेयरिंग ऑफ बर्ड्स, इंडिजिनियस बर्ड आसिल, द कॉक फाइट एंड बेस्ट इंडियन टेबल ट्रीट मीन्स एडेबल आइटम्स, एक्सोटिक वाइट लीग हॉर्न लेयर कमर्शियल एंड प्लायमाउथ रॉक ब्रॉयलर मीट प्रोडक्शन. डिसीजेस ऑफ द बर्ड्स वायरल बैक्टीरियल एंड फंगल. रानीखेत वॉज वेल नोन न्यू कैसल डिसीज दैट वॉज द वायरल इन रानीखेत बैक्टेरियल कोहिजा कोयराजा एंड पोलरियम फंगल एस्परग्लोसिस एंड एफ्लॉक्सो एफ्ला टॉक्सिकोस फॉल पॉक्स बर्ड फ्लू लिम्फॉइड एंड लिम्फॉइड बायनोसिस. दीज आर द सॉरी वायरल डिसीजेस. रानीखेत वॉज द वेल नोन फॉर द न्यू केशल दैट इज फॉल पॉक्स बर्ड फ्लू H5N1 एंड लिम्फॉइड लाइनोसिस बैक्टेरियल डिसीजेस कोरिजा पोलियोक्रम माइकोप्लोनोसिस एंड स्पायरो कैस्टियोसिस फंगल एस्परगोलोसिस टॉक्सिकोस एंड ब्रूडर निमोनिया. नाउ दैट इज द सेरिकल्चर. सेरिकल्चर इज द रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म एंड सिल्क मॉथ फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर. सिल्क ऑब्टेन फ्रॉम कोकोन प्रोड्यूस्ड बाय कैटरपिलर लार्वा. सिल्क ग्लैंड आर मॉडिफाइड सेट फॉर सलावरी ग्लैंड. प्रोटीन फाइनोरिन एंड सेक्रियम 80% एंड 20%. सेक्रिन जो है 20% है एंड फाइब्रोरिन 80%. आर्टिफिशियल सिल्क इज द रेयन कार्बो एंड सेल्यूलोज. कार्बन एंड कार्बो सेल्यूलोज से बनता है. टाइप्स ऑफ सिल्क फ्रॉम वेयर वी गेट सिल्क वॉर्म फ्रॉम द मलबेरी सिल्क. एरी मीन्स अरंडी एंड मुगा आसाम एंड तुसार. इंसेक्ट्स बॉम्बेक्स मोरी अल्टाकस रेसिनी फिलोसिमिया रेसिनी एंथ्रिया ऑस्मोसिस रॉयल माइलेटा फफिला. लीव्स फीड बाय द लीव्स मलबेरी लीव्स मोकोस अलावा अल्बा केस्टर लीव्स ओक एंड मैसिलस एंड ओक लीव्स. ओके दैट इज दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ द सिल्क वॉर्म. एग चेंज इनटू द लार्वा एंड लार्वा चेंज इनटू द प्यूपा एंड प्यूपा चेंज इनटू द एडल्ट. इफ देयर इज द जुवेलियन हार्मोन इज अब्सेंट. इफ जुवेलियन हार्मोन इज अब्सेंट सो लार्वा इज डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म इनटू द एडल्ट. If the Jovellian hormones is present, so it will take the complete life cycle, egg, larva, pupa and adult. Okay, now that is about the complete life cycle of silkworm. Now that is we are going to talk about the wool. We are continue
to about the silk. The stifling, the process of killing of the pupa and the cocoon. Pilling, separation of complete single thread from a cocoon. देखिए कोकून में से अगर उसको प्यूपा को अंदर ही मार दिया जाए सिल्क वार्म को निकालने के लिए, पिलिंग वो प्रोसेस होती है जिसमें हम कंप्लीट पूरा थ्रेड एक साथ निकालते हैं, 12 मीटर का होता है. फिफ्थ एमित्रा, डेवलपमेंट ऑफ द सिल्क ग्लैंड, स्टॉप फीडिंग, स्पिन कोकून आउटसाइड टू इनसाइड. कोकून जो है आउटसाइड से गोल 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 घूमता है और अंदर इनसाइड की तरफ उसको ये जो है जिसमें कोकून का कवर बनता है और कवर के अंदर सिल्क रहता है. डिसीज इन सेरिकल्चर जो है पैलेरिना है, प्रोटोजोइक है, नोजेमा बॉम्किस बॉम्सिक्स, पोलीहाइड्रोसिस वायरल है, ग्रास सिरिन वायरल, फ्लेचरी वायरल एंड बैक्टीरियल, एंड मस्कराडाइन फंगल एंड मॉगट विट्स बाय द फ्लाई डिसीज. लोकल ट्री, लोकल ट्री, लोकल ट्री मीन्स लाख का उत्पादन करना, लैक का उत्पादन करना, प्रोडक्शन ऑफ लैक. लैक जो होता है 68-90%. थ्रेशिया लाका हसी फोर लोका. हॉस्ट प्लांट जो होता है वो कुसुम, उनका जो फ्लावर प्लांट होता है, और बेर पम एंड पैरासाइट है ये, एंड दैट इज द मेल एंड फीमेल. फीमेल हैजंट एनी काइंड ऑफ द विंग, और मेल को जो है वो विंग होते हैं और फीमेल में विंग नहीं होते हैं. अगर विंग नहीं है तो आप पता लगा सकते हो कि ये फीमेल है, और ये भी इंसेक्ट के कारण ही होता है. HTA डिस्टिंक्ट होता है और नॉट डिस्टिंक्ट, वी आर नॉट एबल टू फाइंड आउट इट. लियो लैक मोर लैक, ये जो है जो फीमेल है वही सबसे ज्यादा लैक प्रोडक्शन करता है, लाख का उत्पादन करता है, और जो मेल है वो बहुत कम लाख का उत्पादन करता है. मेल जो है वो 200-500 एक्स जो है मेल फीमेल जब ब्रीड करते हैं तो इस तरीके से 200-500 एक्स जो है वो रिप्रोड्यूस होते हैं, जो निम्फ में चेंज होते हैं, और उसमें से 30% मेल होते हैं और 70% जो होती है फीमेल होती है. मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस है, मींस निम्फ जो मेल स्पर्म जो है वो प्रोड्यूस करते हैं. सीड लैग मैंने प्यूरिफाई इनटू द बटन लेग, मतलब जब सीड लेग जो रहता है उसको प्यूरिफाई करके बटन लेग में बदला जाता है. लाइफ साइकिल इज कंप्लीटेड विद इन अ 6 मंथ एंड 2 क्रॉप्स इन अ ईयर, मींस 6 मंथ में एक जो लैक का इंसेक्ट है उसका लाइफ साइकिल पूरा हो जाता है, इसलिए हम 2 क्रॉप्स ले सकते हैं. फीमेल सैकराइड मोर लैक देन मेल, मेल से फीमेल ज्यादा लैक उत्पादन करती है, प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है. लैक सेक्रेटेड इट बिफोर ड्रेमिंग इज इमेच्योर लैक. अगर बिफोर स्वार्मिंग, सॉरी द लैक सेक्रेटेड बिफोर स्वार्मिंग, स्वार्मिंग के पहले जो लैक सेक्रेट होता है वो बहुत मैच्योर नहीं होता है, वो कमजोर लेक होता है और वो कमर्शियली यूज नहीं होता है. आफ्टर ड्राइंग इज टर्म्ड एज द मैच्योर लेक, और सबसे बड़ी बात है कि आफ्टर स्वार्मिंग इज द टर्म्ड एज द मैच्योर लेक. अगर वो इंसेक्ट वहां से उड़ गए हैं, है ना, तो वो जो है वो जो होता है वो लेक जो होता है मैच्योर होता है. कोचिनियल इंसेक्ट, फ्रॉम द कोचिनियल इंसेक्ट रेड डाई इज ऑप्टेंड. There is so many insects and animals by which we can rear them and breed and produce some commercial items to sell out, and that is the economically benefits we get. Thank you very much. The animal husbandry is finished by me.